के दौरान मैंने यहाँ देवीपाटन परिक्षेत्र की कानून व्यवस्था और अपराध स्थिति की भी समीक्षा की है और यहाँ लगातार जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं बहुत ही तत्परता से सभी कार्रवाई में लगे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले गोंडा में ही एक बच्चे का अपहरण हुआ था, उसकी सकुशल बरामद की, उसमें सभी अभियुक्तों को पकड़ना, उनको जेल भेजना। इसके अतिरिक्त एक यहाँ मठ का भी विवाद हुआ था जिसमें कुछ लोगों ने स्वयं को गोली मार के और एक नया विवाद खड़ा किया था, उस पूरे चीज़ का भी पर्दाफाश किया गया। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारे किसान आंदोलन चल रहा है उस दौरान भी सभी जनपदों में शांति बनी रही। इसका कारण ये है कि यहाँ सभी हमारे जो किसान संगठन हैं, किसान बंधु हैं, उनसे लगातार हमारे अधिकारी वार्ता कर रहे हैं और उनका सहयोग भी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जो भारत नेपाल सीमा है उस पर भी हम चौकसी बरत रहे हैं। यहाँ तक निर्देशों का सवाल है, मैंने कहा है कि विवेचनाएँ कुछ ज़्यादा लंबित हैं, उसको तत्काल पूर्ण कराया जाए तथा सभी जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उसके लिए अभी से तैयारियां कर ली जाएं। इसके लिए जितने भी निरोधात्मक कार्रवाई है या जो वेपन का वेरिफिकेशन है या अवैध असलाह, अवैध कारतूस जो इस दौरान आते हैं उसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाए। सर, प्रदेश में जिस तरीके से तो फरार माफिया हावी हैं तो यूपी पुलिस क्या कर रही है और क्या कभी करेगी? आपने देखा होगा कि प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल की जो नीति है उसके अगेंस्ट सभी माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा अवैध अर्जित संपत्ति का अटैचमेंट भी किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है और जितने भी प्रमुख माफिया हैं वो इस वर्तमान में जेल में।